हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उनके लिए जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर पार्ट से लिया गया है। आज हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है और बेसर शैली क्या है, जो कि सामने में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में आते हैं, इस तरीके के जो मंदिर हैं वो आते हैं द्रविड़ शैली में, और इस तरीके के जो मंदिर हैं वो आते हैं वेसर शैली में। तो आप मंदिर देख के समझ सकते हैं कि कौन से शैली के हैं। तो आज मंदिरों की शैली कोशिश करेंगे इन तीनों चीज़ों को बारीकी से एक एक बात को समझने की, और आपकी कोशिश होगी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने की, तभी तो आपको समझ में आएगा। और चलिए दोस्तों, एक बात और, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की नागर द्रविड़ और बेसर शैली। पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की तीन बड़ी शैलियाँ बताई गई हैं। एक है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। आइए अब एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी बारीकी से। एक बार भी माइंड को फ्लक्चुएट मत कीजिएगा, ध्यान से बस देखिएगा। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती पाया जाता है। इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों में, विशेषकर देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतर गांव के ईंट निर्मित मंदिर में मिलते हैं। इस शैली के उदाहरण जो हैं देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतर गांव के ईंट निर्मित मंदिर में मिलते हैं। नागर शैली की दो बड़ी विशेषता है, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी भूमि जो होते हैं बिल्कुल आयताकार होते हैं, जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। यदि दोनों पार्थों में एक एक विमान होता है तो वह त्रिरथ कहलाता है। दो दो विमान वाले मध्य भाग में सप्तरथ और चार चार विमान वाले भाग को नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर के अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं, मध्य भाग से लेकर मंदिर के अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर पर, मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं कि आपको डायग्राम दिखा दूं। हम लोग जो है ये देख रहे थे नागर शैली, देखिए ये डायग्राम एक बार माइंड के अंदर स्टोर कर लिए। सबसे ऊपर शिखर होता है, अब आते हैं, ऊपर शिखर होता है, नागर मंदिर के शिखर की रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिर में दो भवन होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाघर संरचना होती है, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में चार कक्ष होते हैं, गर्भगृह, जगमोहन, नाट मंदिर, भोग मंदिर। बस बिल्कुल बारीकी से इसको सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। आपको मैं बार बार उस डायग्राम को तो ला नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बार डायग्राम अच्छे तरीके से अगर आप देख लेते हैं, तब जब मैं बातें बोलूँगा तो आपको सब कुछ उस मंदिर के अंदर दिखता जाएगा। और जब मंदिर डायग्राम सामने रहेगा और जब मैं पढ़ूँगा तो आपको बारीकी से हर बात उसकी समझ में आ जाएगी। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिर में स्तंभ नहीं होते थे। आठवीं शताब्दी के आते आते नागर शैली के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लक्षण भी प्रकट हुए, बनावट में कहीं कहीं विविधता आई। इस शैली का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक था, इसलिए स्थानीय विविधता का आना अनपेक्षित नहीं था। फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर आकार सर्वत्र एक जैसा रहा। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है नागर शैली का।
अब कोशिश करते हैं समझने का कि द्रविड़ शैली ये क्या है। मंदिरों में द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई थी, यानी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में द्रविड़ शैली अपनाई गई थी। द्रविड़ स्थापत्य शैली का संबंध दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है, पर कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए गए हैं, जैसे लारखान का पार्वती मंदिर, एहोल का कोठनगुडी और मैगुती मंदिर। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता उसकी पिरामिडीय विमान है। इस विमान में मंजिल पे मंजिल होते हैं जो बड़े से ऊपर की ओर छोटे होते चले जाते हैं और अंत में गुंबदाकार आकृति होती है, जिसका तकनीकी नाम अस्तुपी अथवा अस्तुपिका होता है। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों में विमान के ऊपर मूर्तियां आदि की संख्या बढ़ती चली गई। द्रविड़ मंदिर में एक आयताकार गृह होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा की मांग होती है। द्रविड़ मंदिर में समय के साथ कई विशेषताएं जुड़ती चली गई, जैसे स्तंभ पर खड़े बड़े कक्ष एवं गलियारे तथा विशालकाय गोपुर। द्रविड़ शैली दो प्रमुख लक्षण है। इस शैली के मुख्य मंदिर के चार से अधिक पार्श्व होते हैं। दूसरा, मंदिर के शिखर और विमान पिरामिडीय आकृति के होते हैं। द्रविड़ स्थापत्य में स्तंभ और प्लास्टर का प्रचुर प्रयोग होता है। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो इसके लिए अलग से नंदी मंडप भी होता है। इस प्रकार ऐसे विष्णु मंदिर में एक गरुड़ मंडप भी होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारतीय मंदिर में चार दीवारी भी होती है। कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। कांची में यह मंदिर राजसिंह और उसके बेटे महेंद्र तृतीय द्वारा बनाया गया था। यह था द्रविड़ शैली। मैंने कोशिश किया हूं कि अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए, जो कि एक बार अगर आप समझ लिए तो ये कन्फर्म रखिए कि आपको एग्जाम तक अगर यहां से क्वेश्चन निकल के आता है तो आराम से पीटी हो या मेंस हो मार के निकल पड़िएगा। नेक्स्ट है बेसर शैली। बेसर शैली बिंद पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। इस स्थापत्य शैली का प्रादुर्भाव पूर्व मध्यकाल में हुआ। वस्तुतः एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। बेसर में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिक्स जो होते हैं मिश्रित शैली पाई जाती है। बेसर शैली के उदाहरण दक्कन भाग में कल्याणी की परवर्ती चालुक्यों द्वारा तथा होयसालों के द्वारा बनाए गए मंदिर प्रमुख है। इसमें द्रविड़ शैली के अनुरूप विमान होते हैं, पर ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर होते हैं, जिसके फलस्वरूप मंदिर की ऊंचाई कुछ कम रहती है। बेसर शैली में बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जाती है, जैसे एहोल के दुर्गा मंदिर में। मध्य भारत और दक्कन में स्थान स्थान पर बेसर शैली के कुछ अंतर पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पापनाथ मंदिर और पटडकल मंदिर। मंदिर में तीन शैलियां पार्श्व दृश्य, एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए जो हम लोग समझाए थे। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है वो है नागर शैली का, ये जो है ये है द्रविड़ शैली का, और लास्ट जो है और ये जो है बेसर शैली का। हमारी कोशिश थी कि मैं इस तरीके से समझाऊं जिससे कि आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली आपको समझ में आ जाए। नागर शैली एक अलग शैली थी, द्रविड़ शैली एक अलग शैली थी, तीनों थी साउथ से ही, और बेसर शैली इन दोनों की मिक्स करके एक शैली बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठता है और लोग फंसते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए और समझ लिए तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन उठने के बाद उनका आसानी से बनता है। तो आज जो था
क्लास वो आर्ट एंड कल्चर का था। नेक्स्ट फिर किसी वीडियो पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिस तरीके से मैं बताया हूँ कोशिश कीजिए उसी तरीके से आप फॉलो करने की, लिखने की। चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।